Everyone, welcome to my channel. In this video I'm going to discuss the substitution method to solve the pairs of linear equation. This is from your chapter number 3, exercise 3.3 and 6th part of question number 1. So let's begin. इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है. ये एक पैर है लीनियर इक्वेशन का. सो पहले हम ये आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है ना, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है. एक सिंपल इक्वेशन जैसी हमें लग नहीं रही है, तो इस फ्रैक्शनल इक्वेशन को हम सिंपल में चेंज करेंगे. सो कैसे करेंगे? पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 से लेबल कर देती हूँ. अभी करना इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंपल वे से सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करने का मैंने मेथड अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी मैंने बताया हुआ है. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप उन वीडियोस को भी विजिट करें ताकि आपको ये जो मेथड है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. सो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूँगी, 3x/2 -5y/3 -2/1. सो दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1. इसको मैं एक सिंपल इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करूँगी, इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ. 3 और 2 का एलसीएम कैसे है? ये जो एलसीएम लेना है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप उनको विजिट कर सकते हैं. सो 2 और 3 इनका एलसीएम लिया तो 2 1 2, यहाँ पर 3 आ गया और 3 1 3, 3 2 6, या 3 × 2 = 6. सो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 6. सो 6 जब भी 2 के साथ डिवाइड हुआ तो क्या बना, 6/2. 2 3 = 6 एंड 3 × 3 गिव्स 3 3 = 9x. -6/3. 3 2 = 6 एंड 2 5 = 10. सो दैट इज -10y = -2/1. नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या बना, 9x - 10y. ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, यह -2 × 6 के साथ. क्या बना, 9x - 10y = 6. 2 = 12 बट नेगेटिव. ओके, अभी आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए. ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए. ये इक्वेशन इसके कंपैरिजन में थोड़ी सिंपल है. सो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ लेबल कर दूँगी. अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को भी ऐसी वाले एक सिंपल इक्वेशन में चेंज करूँगी. मैं क्या करूँगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज़ आर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ x/3 +y/2 = 13/6. फिर से 3 और 2 का एलसीएम लिया तो क्या आया, 6. 6/3 गिव्स 2, दैट इज़ 2x. ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ. सो 6/2 गिव्स 3. 3 यहाँ पर 3y आ गया, = 13/6. क्लियर? नेक्स्ट सेम स्टेप रिपीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचा, 2x + 3y. ये सारा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 13 × 6. क्लियर? अभी जब 6 2 = 12, 6 3 = 18y. ओके, 13 6 = 78. अभी क्या करना है, इस ये जो इक्वेशन है ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, इसको अब फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. कैसे सिंप्लीफाई करूँगी, कि मैं जो ये इक्वेशन है ना सारी, इस इक्वेशन को मैं 6 के साथ डिवाइड करूँगी. जब भी मैं इस जो इक्वेशन को 6 के साथ डिवाइड करूँगी तो और भी सिंपल हो जाएगी. देखिए, क्योंकि ये जो सारे टर्म्स हैं 6 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं लिखूँगी ÷ 6. कैसे करूँगी, 12 / 6 + 18 / 6 = 78/6. क्लियर? जब भी 6 2 = 12, 2x + 6 3 = 18, 3y = यहाँ पर ये 13. क्लियर? अभी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, ये और भी सिंपल है ना इससे. सो इसको मैं इक्वेशन नंबर, यहाँ पर जो पहले इक्वेशन दी है मैंने, इक्वेशन नंबर 3 दी है, इस वाली सारी इक्वेशन को 3 और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 दूँगी. क्लियर?
अभी इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में से मैं x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालूंगी। कैसे निकालूंगी? देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 को पिक 3 को पिक करूंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, व्हाट इज़ आर इक्वेशन नंबर 3? लुक एट हियर गाइस, दैट इज 9x माइनस 10y गिव्स माइनस 12। क्लियर? नेक्स्ट क्या करना है, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। सो वेरिएबल की वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगी? लेट सपोज मैं एक्स की वैल्यू को निकालूंगी, 9x इज इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पर नेगेटिव 10 है और राइट हैंड साइड पे जाकर ये पॉजिटिव का 10y हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या करूँगी मैं, यहाँ पर ये 9x माइनस 10 है, यहाँ में से x की वैल्यू को निकालूंगी ना, तो x यहाँ पर ऐसे ही रहा, तो ये क्या हुआ, माइनस 12 प्लस 10y, यहाँ पर ये 9 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। सो ये क्या लास्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन दी है ना मैंने, ये सारी इक्वेशन जो है ये फोर्थ इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 के साथ लेबल करूँगी। देन अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 में एक्स की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कैसे, किस इक्वेशन को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, किस में से वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या है, लुक एट हियर, 2x प्लस 3y गिव्स 13। यहाँ पर x है, यहाँ पर x को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगी। सो क्या हुआ, 2, ये x क्या है, सारा का सारा माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पर प्लस 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास आया है 12 को, इस सारे 2 को एक इस अंदर x के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 12 टू ज़ार 24 माइनस 24 प्लस 2 टेन ज़ार 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे मैं सिंपली 1 लगा सकती हूँ। सो अभी क्या करना है, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम क्या आया, 9 के साथ 9 ये डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस 24 प्लस 20y प्लस, अभी 9 जब 1 के साथ डिवाइड हुआ तो 9 बचा, तो 9 थ्री ज़ा 27y इज इक्वल टू 13 अपॉन 1। क्लियर? अभी y और y वाले टर्म्स को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। माइनस 24 प्लस 20 और 27, 20 प्लस 27 गिव्स 47y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 13 अपॉन 1। यहाँ पर मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम यहाँ क्या बचा, 24 प्लस 47y, 24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। क्लियर? माइनस 24 प्लस 47y गिव्स 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 गिव्स 117। क्लियर? अभी क्या करना है, इसमें से y की वैल्यू को निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, 47y इज इक्वल टू 117। ये जो है 24 यहाँ पर नेगेटिव है और इस साइड पे जाकर ये 24 पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू को कैसे निकालूँगी मैं, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी पहले, 117 प्लस 24 इट विल गिव 141। यहाँ पर क्या आया, 141। क्लियर? यहाँ पर 47 है, सो y क्या आ जाएगा, 141 जब 47 के साथ डिवाइड हुआ तो क्या आया, यहाँ पर 47 को जब मैं 141 को 47 के साथ करूँगी डिवाइड, यहाँ पर 141 जब 47 के साथ डिवाइड हुआ तो क्या, लेट सपोज मैं 47 को जब भी मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर यस अभी क्या बचा, मुझे पता चला कि 47 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर क्या बचा, 3। क्लियर? सो यहाँ पर आ गया 3, सो 47 3, देन y इज इक्वल टू 3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूव फ्रॉम इक्वेशन नंबर
equation number 5. Look at here. This is our equation number 5. इस इक्वेशन में देखिए आप y की वैल्यू ना सिंपली अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज हैं, बस y की वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। क्या आई है y की वैल्यू? 3। सो इस 3 को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी। क्लियर? सो इक्वेशन नंबर 5 को पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। सो अभी क्या करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y है ना, यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख दूंगी मैं, 3 डिवाइडेड बाय 9। सो क्या बना, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पर क्या बचा, -12 प्लस 30 प्लस माइनस 30 में से 12 माइनस हुए तो क्या बना, 18 डिवाइडेड बाय 9। 18 को 9 के साथ डिवाइड किया तो क्या बना, 9 टू ज़ा 18। सो x इज इक्वल टू क्या आया, 2। x इज इक्वल 2 आया। सो इस मेथड से आपने देखा होगा कि जब भी हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x 2 आया, एंड जो y आया है, y क्या आया है, 3। क्लियर? x और y की हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट एनी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली डिस्कस इन माई वीडियोज इफ यू आस्क, एंड शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स who cannot choose for costly classes, and visit my videos for sure, and hit the like button if you really like this video, and share with your friends, subscribe to my channel for sure. Thank you.